मेरे विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यह बीए सेकेंड ईयर के लिए भी और एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस का एक हिस्सा है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में एक क्वेश्चन बनता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, यानी इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है। इसके लिए कई बार विद्यार्थियों से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। विद्यार्थियों, समयांतराल के दौरान अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषाओं में काफ़ी कुछ परिवर्तन होता रहा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, मार्शल, रिकॉर्डो, मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने श्रम को ही एकमात्र साधन मानते हुए श्रम की गतिशीलता आदि के आधार पर दोनों व्यापारों में कोई अलग से सिद्धांत की आवश्यकता की जरूरत नहीं बताई, जबकि उन दोनों प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इनके एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता की बात कही, जबकि हेबर्लर और ओहलिन आदि अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड में कोई अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, दोनों में काफ़ी कुछ समानताएं हैं। ये हेबर्लिन और ओहलिन आदि अर्थशास्त्रियों का कहना है, और उनका यह भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह अंतर्राज्यीय ही व्यापार का एक विशिष्ट रूप है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द इंटर रीजनल ट्रेड। और वे इनमें कुछ समानताएं भी बताते हैं कि दोनों में निम्नांकित समानताएं दृष्टिगोचर होती है। और जहां तक हेबर्लर आदि अर्थशास्त्रियों ने जो इनकी परिभाषा दी इन शब्दों में, कि ग्रह व्यापार और विदेशी व्यापार की विभाजन रेखा एक देश की सीमा होती है, इस सीमा के भीतर होने वाला व्यापार गृह व्यापार कहलाता है, और सीमा के बाहर विभिन्न देशों के साथ होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार है, ऐसा हेबर्लिन का मानना है। यानी उनका कहना का मतलब, हेबर्लिन ये मानते हैं कि जो सीमा है दो देशों के बीच, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यदि सीमाओं के बीच होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, और यदि एक ही देश की सीमा के भीतर होता है तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार की श्रेणी में आएगा। इसकी समानता बताते हुए जो ये अर्थशास्त्री है, जिसमें मैंने बताया हेबर्लिन और हेबर्लर और ओहलिन आदि अर्थशास्त्री, इनका ये कहना है कि दोनों व्यापार में कोई विशेष अंतर नहीं रहता, काफ़ी कुछ समानताएं हैं, और वो समानताएं में जैसे पहली समानता वो बताते हैं विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। इसके तहत उनका कहना है कि व्यक्ति की भांति कोई भी देश उस वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करेगा जिसमें वो अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त करता है। यानी उनको ये कहते हैं कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राज्य व्यापार हो, दोनों में जो है वह विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन का प्रयास किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस बिंदु के आधार पर वो दोनों को एक ही मानते हैं, एक ही विधि के तहत दोनों को स्वीकार करते हैं कि यदि आपको चाहना है कि दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में अच्छी तरह से व्यापार हो तो विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन आवश्यक है, ताकि कम लागत पर
वस्तु को उत्पादन कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजी जा सकती है। ये क्षेत्र एक देश की सीमा के भीतर हो सकते हैं, क्षेत्र सीमा के बाहर हो सकते हैं। इस आधार पर विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर इन अर्थशास्त्रियों ने दोनों व्यापारों को में समानता बताई। दूसरी समानता बताई है वस्तु विनिमय की, कि आंतरिक व्यापार में वस्तु की पूर्ति जिन इलाकों में अधिक है वहाँ से कम पूर्ति वाले इलाकों में सामान भेजा जाता है। जैसे राजस्थान में यदि बाजरा अधिक है तो जहाँ बाजरा कम है उन क्षेत्रों में, चाहे बंगाल है, बिहार है, उन क्षेत्रों में राजस्थान बाजरे को भेजेगा। ठीक इसी प्रकार दो देशों के बीच में भी यही होता है कि जिस देश में, जैसे भारत में चाय अधिक होती है तो उस चाय को वो इंग्लैंड भेजेगा। तो कहने का मतलब है कि अधिक पूर्ति से कम पूर्ति वाले स्थानों के बीच में ये दोनों व्यापार होते हैं। इस आधार पर दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, दोनों में समानता देखने में मिलती है। तीसरी बात जो समानता की बताई है वह है अधिकतम लाभ और न्यूनतम उत्पादन लागत का उद्देश्य। दोनों ही व्यापारों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने का और न्यूनतम लागत से उत्पादन करने की धारणा रहती है। अर्थात पहला जो हम दोनों में समानता देखते हैं वह समानता है, पहली समानता है जिसे आप लिख सकते हैं विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन की समानता। दूसरी समानता जो है वो है वस्तु विनिमय की प्रक्रिया, जिसका मतलब है जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ से कम उत्पादन की तरफ माल का भेजा जाना, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया। तीसरी जो समानता दृष्टिगोचर होती है वह है अधिकतम लाभ और न्यूनतम उत्पादन लागत संयोग। चौथी जो समानता वे बताते हैं वो इस आधार पर कहते हैं सामाजिक संबंध यानी व्यापार के दौरान संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। सामाजिक संबंध, एक देश या एक क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, वह दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो एक देश की सीमाओं के भीतर हो चाहे दो देशों के बीच हो। तो सामाजिक संबंधों के आधार पर भी इन दोनों में एक रूपता दिखाई देती है। इसके अलावा पांचवी जो समानता बताई जाती है वह है ऐच्छिक व्यापार। ऐच्छिक व्यापार से अभिप्राय यह है कि यह दो क्षेत्रों के बीच या दो देशों के बीच में एक अनिवार्य लेन देन नहीं होता है, यह ऐच्छिक लेन देन होता है जो जिस क्षेत्र को अपना माल अधिकतम लाभ कमाने के लिए भेजना चाहता है या जहाँ पर उसे भेजने में लाभ अधिक मिलता है उस क्षेत्र को भेजेगा, चाहे वो एक देश की सीमा के भीतर हो चाहे एक देश सीमा से बाहर हो। लेकिन जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए हैं, जिसमें मैंने पहले भी कहा एडम स्मिथ है, रिकॉर्डो है, मील आदि, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार में भिन्नता बताने का प्रयास किया। और जो इन दोनों व्यापारों में अंतर, अब मैं बात कर रहा हूँ व्यापार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, व्यापार में अंतर या आंतरिक व्यापार आप कह सकते हैं, आंतरिक व्यापार में अंतर, इंटर रीजनल ट्रेड इसमें क्या दोनों में अंतर है, उसमें देखिए इन दोनों व्यापारों में अंतर के तहत बताया गया है कि उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का अंतर। प्रायः ये देखा जाता है साधनों की गतिशीलता कि एक देश के भीतर साधन आराम से गतिशील होते हैं, उन पर प्रतिबंध कम होते हैं। प्रायः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का उत्पादन में श्रम को महत्वपूर्ण साधन माना गया और श्रम को एक देश के भीतर गतिशील होना आसान होता है, लेकिन एक देश से दूसरे देश में श्रम की गतिशीलता कम पाई जाती है और इन्हीं की गतिशीलता की अभाव के कारण दो देशों के व्यापार में अंतर होता है, जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार में यह साधनों की गतिशीलता तुलनात्मक रूप से या सापेक्ष रूप से अधिक होने के कारण
यह व्यापार आराम से हो सकता है। दूसरा अंतर बताया जाता है वह है राष्ट्रीय नीतियों का। राष्ट्रीय नीतियाँ एक देश के अंदर जो ट्रेड संबंधी नीति होती है वह पूरे देश में लागू होती है, उनमें अंतर कम पाया जाता है, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी हो, चाहे वो व्यापार में परिवहन लागतों संबंधी हो। तो इन नीतियों के कारण जो है वह व्यापार एक देश के भीतर एक ही नीतियाँ रहती है, जबकि दो देशों के बीच में राष्ट्रीय नीतियों में अंतर होने के कारण व्यापार में अंतर हो जाता है, उसके लिए फिर अलग सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा तीसरा जो अंतर माना गया है वह माना गया भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का। भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ, इसमें भी यह मानकर चला जाता है, वैसे तो दो देशों के बीच एक देश के भीतर भी भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रायः यह कहा जाता है कि दो देशों के बीच की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक मतलब एक जगह गणतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, दूसरी तरफ सैनिक शासन होता है, तो इस तरह की दो देशों के बीच की राजनीतिक परिस्थितियाँ भिन्न होती है, जबकि एक देश के अंदर की राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति लगभग एक सी रहती है। इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार में और दो राज्यों के बीच के व्यापार में अंतर दृष्टिगोचर होता है। चौथा जो अंतर दिखाई देता है वह है मौद्रिक इकाई संबंधी अंतर। एक देश का व्यापार है, वह एक ही मुद्रा पूरे देश में चलनमान होती है, इसके लिए व्यापार में वही मुद्रा प्रयोग की जाती है, जबकि दो देशों के बीच में मुद्रा में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान और आसाम के बीच में यदि कोई व्यापार होता है तो लेन देन रुपये के रूप में हो सकता है, लेकिन यदि भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार होता है तो भारत की मुद्रा रुपया है, इंग्लैंड की मुद्रा पौंड है, इसके कारण व्यापार में अंतर दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा जो देखा जाता है अंतर वह है प्रतियोगिता स्तर का अंतर, जिसमें ये होता है कि एक देश के बीच में व्यापार की मुक्त व्यापार बाजार प्रणाली हो सकती है, साधनों में पूर्ण गतिशीलता रहती है, जिसके कारण प्रत्येक साधन का इष्टतम प्रयोग करके मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना या प्रोडक्शन कर पाना संभव हो पाता है, जबकि दूसरे देश में टेक्नोलॉजी के कारण या कई बार जो जिसे कहते हैं डंपिंग सिस्टम है या प्रोटेक्शन पॉलिसी है, इनके कारण जो दो देशों के बीच व्यापार के बीच प्रतियोगिता आ जाती है और उस प्रतियोगिता के कारण व्यापार प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा जो अंतर दिखाई देता है वह है विकास का अंतर, कि विकास संबंधी अंतर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, कुछ देश अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, अर्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, तो उनमें विकसित राष्ट्रों में तकनीकी अलग प्रयोग होती है, अल्प विकसित या अर्ध विकसित राष्ट्रों में तकनीकी अलग तरह की होती है, तो इसके कारण भी दो देशों के बीच व्यापार में अंतर हो जाता है, जबकि एक देश का विकास स्वरूप लगभग पूरे देश में एक सा ही रहता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे व्यापार संबंधी अंतर भी दिखाई देते हैं, जैसे विशिष्टता की समस्याएं होती है, यानी पेकुलर्स प्रॉब्लम्स जो होती है उस संबंध में भी दिखाई देता है अंतर। विशिष्ट समस्याएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा अंतर क्षेत्रीय व्यापार की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कुछ विशिष्ट समस्याएं आ जाती है, जिसके कारण पृथक रूप से अध्ययन आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की वर्तमान समस्या इसका उदाहरण है, जिसके कारण शोधों का परिणाम, जन साधारण के भविष्य के प्रति सतर्कता की भावना, सट्टे की प्रवृत्ति आदि कुछ विशिष्ट समस्याएं होती है, जिनके कारण इन दोनों व्यापारों में अंतर दिखाई देता है। इसके अलावा औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों में परिवर्तन होता है, परिवहन की कठिनाइयों संबंधी अंतर होता है, और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की भी समस्या होती है, कि गृह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक ही मुद्रा का प्रयोग होता है, जबकि किसी प्रकार की मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता इन अंतर क्षेत्रीय व्यापार में नहीं रहती है, किंतु दो देशों के मध्य यदि व्यापार होना है तो उसमें मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों का अंतर, परिवहन की कठिनाइयाँ संबंधी अंतर और मौद्रिक सहयोग समस्याएँ भी दृष्टिगोचर होती है। यह मुख्य समस्याएँ या मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर देखते हैं, और इसके लिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इन दोनों प्रकार के व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या समानता है, क्या दोनों में भिन्नता है,
इस महत्वपूर्ण बिंदु को आपको इस वीडियो के द्वारा आप तक साझा करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह और भी बिंदुओं पर, विषय के टॉपिक्स पर आपसे वीडियो द्वारा और जो पीडीएफ के द्वारा भी विषय वस्तु पहुंचाई जाती रहेगी। आप अपना अध्ययन जारी रखें और किसी भी तरह की विषय वस्तु से संबंधित यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो फ़ोन करके आप इस बाबत अपनी समस्या को रखें, समाधान किया जाएगा निश्चित रूप से, और आगे एक और वीडियो बनाकर शीघ्र ही आपके लिए सुविधा हेतु भेजा जाएगा। धन्यवाद।